हेदा लुवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपका आज का दिन कैसा है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आज के लिए। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, डेली रीडिंग्स डेली गाइडेंस के लिए। चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए आज का दिन कैसा है, मेरे व्यूवर्स के लिए जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए आज का दिन कैसा है। गाइज, रीडिंग्स को देखने से कुछ भी नहीं होगा, रीडिंग्स को क्लेम ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इवेंट गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनका आज का दिन कैसा होने वाला है, क्या मैसेज ऑफ द डे आ रहा है, क्या मैसेज ऑफ द डे आ रहा है, क्या मैसेज ऑफ द डे है मेरे व्यूवर्स के लिए जो लोग ये रीडिंग्स अभी देख रहे हैं। ओके, चलो कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। पहला हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव टावर, वी हैव सन, वी हैव स्ट्रेंथ। टू मोर कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट वी हैव दैट इज मून। बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है, दैट इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। सन और मून दोनों साथ में हैं, क्या बात है। मेजर चेंजेस आप लोग देख पाओगे अब अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो सारी चीज़ें इतने समय से आप लोगों के लिए एक हर्डल बन गई थी, एक यू नो नेगेटिव बैरियर बन गया था, मुझे वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपका लक ज़रूर काम कर रहा है और आपके लिए चीज़ें बिल्कुल फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अंदर ही अंदर ना आप लोग एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी फील करने वाले हो आज के दिन। बहुत सारे लोग अभी भी अपने कुछ ट्रॉमास को लेकर परेशान हैं या लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए हैं उसको लेकर परेशान हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं ज़्यादा एन्जाइटी या ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। हो सकता है आप रात में सो नहीं पा रहे होंगे, रात में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे होंगे, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, मे बी वो आपके अभी कुछ वीक्स पहले या कुछ दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपको माइंड में बहुत हिट कर रही है। आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है वो ट्रॉमा बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ है। सो जितना हो सकता है अपने इस फियर से बाहर निकलिए। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे बहुत बढ़िया दिख रही है कि यू नो चीज़ों को पॉजिटिवली डील कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर अच्छे बदलावों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल बी वेरी हैप्पी विद द चेंजेस जो अब आने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए कि यू नो एक क्लैरिटी बनाइए, क्लियर पिक्चर बनाइए। यू नो ऐसा नहीं कि उस मैटर को, उन बातों को लेकर अभी भी आप नेगेटिव फील कर रहे हों या उन बातों को लेकर अभी भी आप परेशान हो रहे हों। यू नो एन्जाइटी को थोड़े अपने अंदर ख़त्म करिए। एन्जाइटी ख़त्म करोगे तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको अच्छे पॉजिटिव आउटपुट्स देंगे। आज का दिन वर्क के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, वर्क कमिटमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, राइट। काम के प्रति अच्छा डिसीजन बनाएंगे, काम के प्रति आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंट्रोल अपने अंदर फील कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को टैकल कर पाओगे। जितनी बाउंडेशंस आपके काम में लग रही थी या जितने काम में रुकावटें आ रही थी, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल साइड हो रही हैं। चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हो अपना थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव रखना, क्योंकि वो एक ऐसा बैरियर दिखाई दे रहा है जो आपको परेशान करेगा। वो एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो आपको थोड़ा नेगेटिव करने की कोशिश कर सकती है। ओवरऑल एनर्जीज़ अगर देखी जाए तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। जो लोग अभी सडन नेगेटिव चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लोग अभी अनवांटेड सिचुएशंस के अंदर इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। थोड़ा समय रुकिए, 5-7 डेज़ के बाद आप समवेयर कुछ ना कुछ चेंजेस फील करोगे और आपको चीज़ों के अंदर अच्छा चेंज दिखाई देगा। वर्क के लिए इट इज़ अ गुड डे, ठीक है। सेल्फ के लिए आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, खुद पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा हुआ है जो उनको थोड़ा परेशान कर रहे हैं या थोड़ा नेगेटिव बना रहे हैं। तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नो मैटर हाउ मच चैलेंजेस आर गोइंग टू कम, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू विन। क्लियर पिक्चर रखिए, ठीक है। लोगों के साथ बिल्कुल बातें मत छुपाइए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, तो आपका ये दिन और फेवरेबल और पॉजिटिव रहेगा। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़, अपने कर्मा पर ध्यान दें, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है वो कर रहा है, आप अपने कर्मा पर ध्यान दें, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर
एवरी वन ऑफ यू जो लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है, बस पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलोगे तो हर एक नेगेटिविटी से भी बाहर निकल जाओगे और अच्छा अंदर ही अंदर फील करोगे, ठीक है। मिलते हैं 12:12 पर न्यू रीडिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा और खुद से बहुत प्यार करिएगा। राधे राधे।